तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। ये मेरा चिक्स का ब्रूडिंग एरिया तैयार हो रहा है। अब मैंने लाइट भी जला दिया है, भले लाइट का जो हाइट है वो थोड़ा सा ऊपर रखा गया है, क्योंकि अभी जो है वो अभी पार्टीशन का काम चल रहा है, तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए लाइट ऊपर रखा गया है। इसको बिल्कुल नीचे लाया जाएगा और उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको पूरी तरीके से पता चले कि टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन किया जाता है। अलग अलग पार्टीशन में बांटा गया है इसको, आप लोग देख रहे हैं, पार्टीशन करने का बिल्कुल सही तरीका है ये, और साथ में आप गोल पार्टीशन भी कर सकते हैं। बहरहाल इससे मेरा काम चल जाएगा, इसलिए मैं जो है वो इस तरह से, जो कोने आपको दिख रहे होंगे पार्टीशन में, खास बात ये रहता है कि जो कोने रहते हैं उसको आपको खत्म करना रहता है, इसलिए गोल वाले पार्टीशन रहते हैं उसमें कोने नहीं रहते हैं, तो आसानी से हो जाता है। लेकिन इसमें जो कोने आ गए हैं, तो मैं कोने को भी खत्म करने का बिल्कुल तरीका आपको बताऊंगा, क्योंकि जो भी हमारे चिक्स वाले डब्बे हैं उसको यहाँ पे मैं कोने में लगा दूंगा, तो देखेंगे कि आप पार्टीशन खत्म हो जाएगा आने वाले वीडियो में। लगातार आप बने रहिए। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग नहीं भी जानते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। मैं अभिषेक सिंह, ये चैनल जो है ये पोल्ट्री फार्मिंग सिखाने के लिए बनाया गया था, और मैं आपको बता दूं कि आज तक जो है वो बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर है, रेगुलर मुझसे कॉन्टेक्ट में है, और वो लोग कुछ नहीं जानते थे, लेकिन आज वो पोल्ट्री फार्म अच्छे मुकाम तक पहुंच गए हैं। अच्छा उनका फार्म है, कैपेसिटी वो अपना बढ़ा चुके हैं। मैं समय समय पर वीडियो भी उनके लिए डालते रहता हूँ, ताकि जो नए पोल्ट्री फार्मर है वो मोटिवेट हो और कुछ सीखे। जो लोग करना चाहते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग ऐसा बिजनेस है कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैं बार बार आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ। अब पार्टीशन कर दिया हूँ और ये देखिए, ये मैंने पेपर बिछा दिया है, आपको दिख ही रहा होगा। तो अब इसमें बस अब दाने में छीटूंगा, क्योंकि जाड़े का दिन है, ठीक है। तो अभी जाड़े का दिन है, पूरा तरीके से गया नहीं है, तो मैं सभी बच्चों को जो है वो पानी पहले नहीं दूंगा, पहले मैं इनको दाने छीटूंगा और उसके बाद में आधा एक घंटे के बाद में मैं पानी इनको दूंगा। तो आपको मैं बता देता हूं कि जो भी पोल्ट्री फार्मर है वो लोग इस चीज को सीखे, और साथ ही साथ जो पानी में गुड़ का पानी मैं दूंगा, उसमें हल्दी डालूंगा, आप लोग बिल्कुल देखेंगे तो आपको जो है वो समझ में आएगा। तो टेम्परेचर के हिसाब से, अगर टेम्परेचर मान लीजिए कि अभी धूप, अभी यहाँ पे मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे हल्की सी बारिश आई है, अगर यहाँ पे धूप खिल जाता है तो मैं पहले पानी दूंगा अपना, तुरंत से जो है वो अपना जो भी मैंने बना के रखा है कि पहले इनको दाना देना, वो मैं चेंज करके तुरंत से पानी दूंगा। तो आपको आपके आसपास देखना होगा कि मौसम कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, उसके हिसाब से आपको रिएक्ट करना होगा। तो अगर धूप बाहर में हल्की सी मैं खिल रही है, मैं आपको दिखा तो नहीं सकता हूँ क्योंकि पर्दे वगैरह लग चुके हैं, तो बाहर में मुझे जिस तरह से लग रहा है धूप खिल गया है, तो अब मैं इनको जो है वो पहले जो है वो पानी दूंगा और उसके बाद में ही दाने दूंगा। तो इस तरह से आपको सोचना है, समझना है, और उसके बाद में पोल्ट्री फार्म को रिजेक्ट करना है कि इनको क्या किया जाए, उसके बाद ही आपको डिसीजन जो है वो लेने हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ट्रेनिंग अच्छा लग रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने। बहुत से लोग मोबाइल नंबर का रिक्वेस्ट करते हैं, तो कृपया करके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए ना, डायरेक्ट आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम।